हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। आज का हमारा टॉपिक होगा वालकेनो यानी ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स, हम प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन कर चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा था किस प्रकार से प्लेटों का अभिसरण होता है, किस प्रकार से अपसरण होता है, और वहाँ पर हमने बात की थी कि जहाँ पर प्लेट के किनारों का अपसरण या अभिसरण होता है वहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएँ जन्म लेती हैं, और हमने चर्चा की थी कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार से जन्म लेते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ज्वालामुखी के विषय में जानेंगे। तो ज्वालामुखी क्या है, सबसे पहला हम यही चीज़ चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जैसे नाम से स्पष्ट है कि ज्वाला है जिसके मुख में, यानी वो ऐसा छिद्र पृथ्वी पे, वो ऐसा छिद्र या दरार जहाँ से ज्वाला निकल रही है यानी लावा निकल रहा है, पृथ्वी के अंदर का मटेरियल निकल रहा है, उसको कहा जाता है ज्वालामुखी। सिंपल और सरल शब्दों में ज्वालामुखी सिर्फ वह छिद्र होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है। और यहाँ पे तीन शब्द हमने लिखे हैं, वालकेनो, वालकेनिज्म और वालकेनिसिटी। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप इसको सबसे पहले समझ लें। तो हमने बताया वालकेनो क्या है। वालकेनो वह एक छिद्र है जहाँ से लावा बाहर निकलता है, या ज्वालामुखी के जो उद्गारित पदार्थ होते हैं, गैस, धूल कण, डस्ट इत्यादि निकलते हैं, उस छिद्र को या उस दरार को कहा जाता है ज्वालामुखी। वालकेनिसिटी क्या है? ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता क्या है? ज्वालामुखीयता हिंदी में इसे कहते हैं, ये वो पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्वालामुखी का जन्म होता है और ज्वालामुखी प्रक्रिया संचालित होती है। यानी एस्थीनोस्फीयर से लेकर के हमारे वायुमंडल में ज्वालामुखी के पदार्थों का बाहर आना, ये समस्त जो इसके पीछे क्रियाविधि है उसको वालकेनिसिटी कहा जाता है। और एक शब्द आता है वालकेनिज्म। वालकेनिज्म एक विस्तृत शब्द है जिसमें वालकेनो, वालकेनिसिटी ये सभी शामिल होते हैं, और इसमें हम शामिल करते हैं वालकेनिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूप और उनके हमारे वायुमंडल, हमारे स्थल मंडल, जल मंडल और जनजीवन पे होने वाले प्रभाव। यानी वालकेनिज्म जो होता है वो ज्वालामुखी का एक समग्र अध्ययन है जिसके अंदर ज्वालामुखी कैसे जन्म लेता है, ज्वालामुखी कैसे घटित होता है, ज्वालामुखी क्या है और उसके हमारे स्थल पर क्या निर्माण बनते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है, ये समस्त अध्ययन कहलाता है वालकेनिज्म। तो हम इन सब पे आज चर्चा करेंगे, और विश्व में कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी स्थित हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका वितरण कैसे है, ये सभी चीज़ें के विषय में हम जानेंगे, और विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम और उनसे संबंधित फैक्ट्स की भी हम जानकारी इस क्लास में जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, आप लास्ट तक पूरा क्लास ज्वाइन करें और इसका लाभ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी की घटना किस प्रकार से घटित होती है। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पहले ही बात की थी कि प्लेटें जो होती हैं वो गति करती हैं, और हमने एक प्लेट का अभिसारी किनारा आपको समझाया था जिसमें हमने बताया था कि एक प्लेट का किनारा दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है यानी अभिसरण होता है। तो वहाँ पे क्या घटना होगी इसको हम देखते हैं कि जब कभी भी किसी कारण से, चाहे वो अभिसरण हो या अन्य किसी कारण से, किसी भी कारण से जब एस्थीनोस्फीयर में दबाव बढ़ जाएगा, देखिए एस्थीनोस्फीयर में मैग्मा है और वो कंटिन्यूस मैग्मा करेंट्स के रूप में चलता रहता है, वहाँ पे ताप का जनरेशन भी रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ के कारण से और फ्रिक्शन फोर्स के कारण से, प्रेशर की वजह से बढ़ता रहता है। और अगर कहीं पे प्लेट क्षेपित हो रही है, अभिसरण हो रहा है दो प्लेटों का, ये प्लेट का मोमेंट इधर को है, ये प्लेट का मोमेंट इधर को है, ये ओशनिक प्लेट है, ये भारी है, इसलिए ये पहली प्लेट के नीचे अभिसरित होती है। और बेनी ऑफ जोन इसको कहते हैं जहाँ पे प्लेट ये गल करके मैग्मा में तब्दील हो रही है, इसे क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। ये सब हमारे पिछले लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स पार्ट टू में मैंने आपको समझाया था। जिन मित्रों ने अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो पूरा सा आप देख लें, क्योंकि आपको पूरा विधिवत समझने के लिए आपको क्रम से सभी लेक्चर्स देखने चाहिए। इसीलिए हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की क्लास पहले कर दी है जिससे कि आप सिज्मिसिटी और वैल्केनिज्म को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो वेनी ऑफ जोन में मैग्मा जनरेट हो रहा है और
इसके साथ कुछ जल, चूंकि ये ओशनिक प्लेट है, यहाँ पे ओशियन भरा हुआ है, तो कुछ जल भी अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से वो जल भी जब वाष्प, जलवाष्प में, भाप में, स्टीम में तब्दील होता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो मैग्मा की अधिकता हो रही है, मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि प्लेट गल रही है, दूसरी चीज़ हीट भी बढ़ रही है, और इस पानी की वजह से वहाँ पे बहुत सारी स्टीम भी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान और दबाव अत्यधिक हो जाता है, और ये प्लेट को तोड़ करके जब कभी भी ऐसा प्रेशर बनेगा तो जहाँ भी कोई कमज़ोर पॉइंट मिलेगा या फिर वहाँ से कोई पुराना सुसुप्त ज्वालामुखी उपस्थित है जिसके वो छिद्र को फिर से ब्लास्ट कर देगा तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। अगर वो कोई नई जगह है जहाँ पे आसपास पे कोई ज्वालामुखी पहले से उपस्थित नहीं है तो ये प्लेट को तोड़ देगा और बाहर एक ब्लास्ट के रूप में निकल आएगा, और इसे ही कहा जाता है ज्वालामुखी। इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। और ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से स्थीनोस्फीयर से ज्वालामुखी जन्म लेता है उसे कहते हैं वॉल्केनिसिटी या ज्वालामुखीयता। फिर इस ज्वालामुखी घटना के फलस्वरूप तमाम सारे पदार्थ निकलते हैं जिनसे पृथ्वी के ऊपर तमाम स्थल रूपों का निर्माण होता है और उनका हमारे जनजीवन पे इफेक्ट भी पड़ता है। इन सब का अध्ययन कहलाता है वॉल्केनिज्म। तो हम इस संरचना को थोड़ा डिटेल में बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें ज्वालामुखी में होती हैं। आइए समझते हैं। ये हमारा लिथोस्फीयर है, इसके नीचे हमारा ये एस्थीनोस्फीयर है। यहाँ पे क्या है, एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनो स्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। जो लोग हमारा पिछले क्लास देख चुके हैं उनके लिए शब्द नए नहीं होंगे। और यहाँ से ये ज्वालामुखी इस तरह से जन्म लेता है लिथोस्फीयर को तोड़ करके, और ऊपर ये निकल आता है, और यहाँ से निकलते हैं इसके सभी उद्गारित पदार्थ, धूल, गैस, राख, लावा, और इस तरह से लावा का पहाड़ बनता है। यहाँ पे जो लावा है, जो मैग्मा है, वो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये क्या है, मैग्मा। आप इन सभी शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये मैग्मा भरा हुआ है स्थीनोस्फीयर में, और ये जहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है उस रूट को, यानी ज्वालामुखी के जड़ को कहा जाता है मैग्मा हर्थ। हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। ये मैग्मा का चूल्हा है, यानी ज्वालामुखी का जो जड़ है वो ज्वालामुखी का चूल्हा कहलाती है। जिस प्रकार से एक चूल्हा नीचे होता है और ऊपर उसकी चिमनी होती है, नीचे हम उसमें आग जलाते हैं और ऊपर मटेरियल्स निकलते हैं, वैसे ही ये मैग्मा हर्थ है। यहाँ से ज्वालामुखी का जन्म होता है मैग्मा हर्थ। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, ज्वालामुखी से निकले लावा और अन्य पदार्थों के जमा हो जाने से ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है ऊपर वहाँ पे, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और ये जो एक बीच में पाइप है इसे कहते हैं ज्वालामुखी पाइप, वॉल्केनो पाइप, ज्वालामुखी पाइप, या इसे ज्वालामुखी ग्रीवा, गर्दन भी कहा जाता है। और ये जो ऊपर गैस, धूल इत्यादि जो कण निकल रहे हैं इसको कहा जाता है नुई आर्डेंटे। हिंदी में भी इसे यही कहेंगे, नुई आर्डेंटे, नुई आर्डेंटे, नुई आर्डेंटे क्या है, नुई आर्डेंटे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को जो ऊपर हवा में उड़ते हैं उनको कहा जाता है। तो इन्हें नुई आर्डेंटे कहा जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी जन्म लेता है उसे मैग्मा हर्थ कहा जाता है, और ज्वालामुखी की पाइप है ज्वालामुखी पर्वत है। और ये मैग्मा और जो बाहर इस तरह से निकलता है उसे कहा जाता है लावा, लावा। वही मैग्मा जो ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है और धरातल पर बहने लगता है उसे कहा जाता है लावा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, गैसेस, मुख्य रूप से गैसेस हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं, गैस, सबसे प्रमुख रूप से
गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक होगी, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा होती है जल वाष्प। क्या है? जल वाष्प, क्योंकि यहाँ जल वही स्टीम जनरेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा इस गैस में जल वाष्प होगी। SO2 होगी, CO2 होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसें होंगी। तो इस प्रकार से गैसेस निकल तो आइए बात करते हैं ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो उद्गारित पदार्थ देखिए, जब कभी भी आपका मेंस में या किसी एग्जाम के प्रमुख परीक्षा में रिटर्न में आपको लिखने को आएगा, तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरा विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिसमें सबसे पहले हमने जान लिया कि ज्वालामुखी किसको कहते हैं, फिर हमने उसकी क्रियाविधि को समझा, किस प्रकार से स्थीनोस्फीयर में प्रेशर बढ़ता है और वहाँ से ज्वालामुखी क्रस्ट को तोड़ करके बाहर जन्म लेता है। वहाँ विभिन्न हमने शब्दावली भी जानी कि मैग्मा हर्थ क्या होता है, और प्लेट टेक्टोनिक्स जिन्होंने पूरा देख लिया है वो पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझा सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है गैस। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, इस पर आपको विवरण अगर प्रस्तुत करना है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैसेज में होता है कंटेंट वो होता है जल वाष्प का। जल वाष्प जो है सर्वाधिक मात्रा में, लगभग 80% जो है जल वाष्प होती है उसमें, 80% तक, 60 से लेकर 80% तक गैसों में जल वाष्प होता है। फिर SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी प्रमुख रूप से उसमें गैसें पाई जाती हैं और अन्य गैसें भी इसके अतिरिक्त होती हैं। दूसरी चीज है डस्ट या धूल। जब ज्वालामुखी क्रस्ट को तोड़ करके निकलेगा तो उसके साथ धूल कण भी जन्म लेंगे, जो अलग अलग आकार के आधार पे उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ भी लेता है एग्जामिनर। तो धूल के कण जो होते हैं, सबसे जो छोटे कण होते हैं जो 0.05 से कम होते हैं, mm से कम, उनको कहा जाता है डस्ट। उनको क्या कहते हैं? डस्ट। 0.05 mm से कम जो आकार के कण होते हैं उनको डस्ट कहा जाता है, और ये प्रदूषक हैं, ये वायु प्रदूषण करते हैं, ये ऊपर बहुत तेज़ी के साथ ब्लास्ट से निकलते हैं और धुंध के रूप में ऊपर छा जाते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी का ब्लास्ट इतनी तेज़ होता है कि उससे उद्गारित जो गैस और डस्ट पदार्थ होते हैं वो कई कई महीनों तक ऊपर छाए रहते हैं। इससे जो थोड़ा बड़े होते हैं उनको कहा जाता है एस, राख। जो राख होती है वो 0.05 से लेकर के 0.5 mm तक होती है, इसको राख कहा जाता है। ज्वालामुखी की राख होती है, ये थोड़ा धूल से बड़े होते हैं और ये भी वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। दूसरा होता है कोल ऐश, काली राख, कोल ऐश, ये भी ज्वालामुखी की राख ही है और ये थोड़ा उससे बड़ी है, 0.5 से लेकर के 4 mm तक इसके जो है कण होते हैं, 4 mm तक के हो जाते हैं। और ये जो राख है ये वायुमंडल में उड़ती रहती है और धीरे धीरे ये निक्षेपित होगी, तो कहीं पे ये धरातल पे गिरेगी, कहीं महासागर में भी गिरेगी, तो प्रदूषक का भी काम करेगी और इसके निक्षेप से अनेक रचनाएं भी बनती हैं। जैसे कि अगर ये समुद्र में गिरेगी तो इससे क्या बनेगा? पंख बनेगा। अगर ये समुद्र में गिरती है और जम जाती है तो इसको समुद्र की लहरें क्या होंगी? इस सारी राख को समेट करके एक जगह एक प्लेटू टाइप का बना देंगी, उसको समुद्री पंख कहा जाता है, पंख। और अगर ये धरातल पे गिरेगी, कहीं भी कॉन्टिनेंट पे गिरेगी, तो वहाँ भी एक प्लेटू का निर्माण हो जाएगा जिसे कहा जाता है इग्निम ब्राइट का अगर बहुत अच्छा उदाहरण आप देखें तो न्यूजीलैंड में एक इग्निम ब्राइट प्लेटू है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इग्निम ब्राइट का उदाहरण दीजिए, तो न्यूजीलैंड में आप इग्निम ब्राइट का उदाहरण दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आप पड़ोस में देखें, एक देश है न्यूजीलैंड जहाँ पे इग्निम ब्राइट नाम का एक प्लेटू है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इग्निम ब्राइट जो प्लेटू होता है वो किस प्रकार से निर्मित होता है? क्या वो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से बनता है या किस प्रकार का निक्षेप है? तो है तो वो ज्वालामुखी का पदार्थ ही, लेकिन वो लावा नहीं है। ज्वालामुखी से जो उद्गारित
राख और धूल के कण होते हैं, इनके जो है धरातल पे जमाव की वजह से इग्निम्ब्राइट प्लेटू का निर्माण होता है, और इसका उदाहरण न्यूजीलैंड में इग्निम्ब्राइट प्लेटू देखा जा सकता है। इससे भी कुछ बड़े कण होते हैं जो 4 mm से बड़े कण होते हैं, उनको कहा जाता है लिपारी लिपारी, और लिपारी से भी बड़े होते हैं ब्रेसिया। ये सभी अलग अलग टर्म्स हैं, ये सब धूल के कण ही, साइज के आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि राख कौन सी कहलाएगी, डस्ट कौन सी कहलाएगी, लिपारी और ब्रेसिया। ये सब 32 mm तक होते हैं, तक साइज में होते हैं, 32 mm साइज तक जो है लिपारी और ब्रेसिया होते हैं, और 4 mm से बड़े होते हैं। अगर 32 mm से बड़े हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है बम, उनको बम कहा जाता है। वो क्या होते हैं, 32 mm से अधिक से बड़े, 32 mm से बड़े जो होते हैं उनको बम कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से बहुत गति के साथ ऊपर निकलते हैं और उसी रफ्तार से ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरते हैं और एक बम के समान कार्य करते हैं, बहुत तेजी से गिरते हैं। तो ये सभी जो है उद्गारित पदार्थ हैं, गैस और ये ठोस मटेरियल है। और फिर इसके साथ एक प्रमुख जो ज्वालामुखी, जिसको ज्वालामुखी के हम एक सामान्य उद्गार के रूप में जरूर ही जानते हैं, वो है लावा। लावा लावा क्या है, वो गर्म तरल धधकता हुआ मैग्मा है, पदार्थ है जो एस्थीनोस्फीयर से निकलता है, उसे कहा जाता है, जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे कहते हैं लावा। तो हमने गैस और डस्ट के विषय में जाना, लावा के विषय में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि लावा जो है ज्वालामुखी से निकलने वाला एक प्रमुख उद्गारित पदार्थ है जिसके विषय में जानना जरूरी है। तो हम जान लें लावा। लावा दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, वैसे तो इसके कई प्रकार हैं। एक होता है एसिडिक या अम्ली लावा, अम्ली या इसको बोलते हैं एसिडिक। दूसरा, अब हम अगर सभी प्रकार की बात करें, वैसे तो मुख्य रूप से दो हैं, एसिडिक और बेसिक, अम्ली और पैठिक या छारी। तो अम्ली के बाद में एक मध्यम होता है, मध्यम या मीडियम। तीसरा होता है बेसाल्ट या बेसिक लावा, बेसिक। और चौथा प्रकार होता है अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक। इस प्रकार से लावा के 4 प्रकार माने गए हैं, 4 प्रकारों में लावा को बांटा जाता है, एसिडिक, मीडियम, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक। ये किस आधार पर बांटा गया है, ये 2 चीज़ों के आधार पर बांटा गया है, उसकी निकलने की गहराई क्या है, यानी एस्थीनोस्फीयर में वो कहाँ से निकल रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है, और उसी के आधार पे उसका तापमान डिसाइड होगा। जो लावा जितनी गहराई से आ रहा होगा उसका तापमान उतना ज़्यादा होगा, और सिलिका की मात्रा मेन फैक्टर है यहाँ पे कि सिलिका की मात्रा उसमें कितनी ज़्यादा है। जिसमें सिलिका की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो लावा उतना ही अम्ली होगा और गाढ़ा चिपचिपा होगा। तो जो अम्ली लावा है उसकी मेन विशेषता है कि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सिलिका सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो है सिलिका, सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आप एक क्वेश्चन का हमें जवाब दें, इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर आपने क्लास बेहतर तरीके से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिका की मात्रा क्रस्ट में ज़्यादा होती है या मैग्मा जो होता है वहाँ ज़्यादा होगी, या जितना गहराई पर जाएंगे वहाँ ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि सिलिका की मात्रा वहाँ पे देखो 3 पार्ट हमने बताए थे, क्रस्ट में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, सियाल बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, सियाल, SIAL, सिलिका और एल्युमिनियम की वहाँ पे अधिकता होती है। तो जो कम गहराई से लावा आ रहा होगा, जो कम गहराई से लावा निकल रहा होगा उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी और उसे कहेंगे एसिडिक लावा। तो अगर वो कम गहराई से निकल रहा है तो उसका ताप भी कम होगा, ताप क्या होगा, कम होगा। कम का मतलब है बहुत कम नहीं, ये होगा बहुत ज़्यादा ही, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये इनकी अपेक्षा, यहाँ अपेक्षा का तुलनात्मक ही हम बात कर रहे हैं कि इन लावा की अपेक्षा उसका तापमान कम होगा,
लेकिन सिलिका की अधिकता की वजह से ये चिपचिपा होगा, चिपचिपा यानी आप इसे कह सकते हैं कि गाढ़ा होगा ये लावा। गाढ़ा जो अम्लीय लावा की विशेषता होती है वो तीन चीज़ें हैं, सिलिका की अधिकता होगी, चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, तापमान कम होगा। तो अगर तापमान कम होगा, गाढ़ा होगा, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा। जो गाढ़ा तरल होता है उसको ठंडा करेंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और जो पतला होगा, अगर कोई द्रव बहुत पतला है तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो अम्लीय एसिडिक लावा होता है उसका तापमान भले ही कम होता है लेकिन वो गाढ़े और चिपचिपा होने की वजह से इसका ठंडा होने का जो दर है, जो इसके कूलिंग का जो रेट है वो धीमा होगा, इसीलिए ये ज़्यादा दूर तक बहता हुआ चला जाएगा और ये धीरे धीरे ठंडा होगा। जो मध्यम आकार, इसको लिपारी भी कहा जाता है। देखिए इस एसिडिक लावा को लिपारी नाम दिया जाता है। क्या? लिपारी। लिपारी जो है भूमध्य सागर में जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, लिपारी आइलैंड पे, जैसे स्ट्रांबोली है वहाँ पे, एक इन सब में जो लावा निकलता है उसका प्रकार अम्ली होता है। तो इसीलिए जो अम्ली प्रकार के लावा होते हैं उनको लिपारी नाम दे दिया जाता है। मीडियम जो लावा है मध्यम आकार के, वो जैसे कि पर प्रशांत बेल्ट है हमारी, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी हैं वहाँ से मध्यम जो है, ना ज़्यादा अम्ली ना ज़्यादा क्षारी, मध्यम प्रकार का जो लावा होता है वो निकलता है। और इस प्रकार के लावा को एंडिसाइटिक कहा जाता है, एंडिसाइटिक। देखिए ये नाम याद रखिएगा, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन भी बना सकता है आपसे कि एंडिसाइटिक लावा जो होता है वो कहाँ निकलेगा, या इस पे टिप्पणी कीजिए। तो जो हमारा पर प्रशांत बेल्ट के जो ज्वालामुखी हैं, जैसे जापान और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जहाँ पे जो है ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं वो मीडियम है, मध्यम गहराई से हैं, और वो एंडिसाइटिक टाइप के लावा को जन्म देते हैं। और ये क्रम है, देखिए सिलिका की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो जाएगी, ताप उससे ज़्यादा हो जाएगा, चिपचिपापन कम हो जाएगा, गाढ़ापन कम हो जाएगा। ये एक क्रम है, क्रम से मैंने लिखा है, आप उसी को उसमें फिट कर लीजिएगा। बेसिक जो लावा होता है वो, उसमें सिलिका की मात्रा क्या हो जाएगी, कम और हो जाएगी, और जो अल्ट्रा बेसिक होगा उसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, और वो क्षारी लावा कहे जाएंगे। क्षारी लावा कहा जाता है बेसिक, या इनको पैठिक लावा भी कहा जाता है, पैठिक। और ये जो है चूंकि कम गाढ़े होते हैं, जो बेसिक लावा जो होते हैं, बेसिक जो लावा हैं वो सिलिका की कम मात्रा होने की वजह से वो कम चिपचिपे होते हैं, कम गाढ़े होते हैं, और ये अत्यधिक गहराई से निकलते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ताप ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे क्योंकि ये पतले होंगे। अगर कोई पतला द्रव है तो वो वातावरण के संपर्क में आने पे उसका ताप जल्दी ह्रास हो जाएगा, तो वो जल्दी ठंडे होते हैं, इसीलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, और इन्हीं से बनने वाली चट्टानें जो होती हैं वो बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। ज्वालामुखी को कहा जाता है पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि पृथ्वी के सेफ्टी वाल्व ज्वालामुखी को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एस्थिनोस्फीयर में जब प्रेशर बढ़ता है तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो बाहर निकल जाता है, जिससे जो है हमारी क्रस्ट पे नुकसान कम होता है। हालांकि ज्वालामुखी से नुकसान होता है लेकिन वो अपेक्षाकृत कम है। अगर कहीं से वो प्रेशर और लावा पदार्थ निकलेगा नहीं बाहर, तो इतना प्रेशर बढ़ता जाएगा कि हमारी पूरी क्रस्ट ही ब्लास्ट कर जाएगी। इसीलिए इनको सेफ्टी वाल्व कहा जाता है कि प्रेशर को कंट्रोल कर देते हैं ये। अब हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी को कई प्रकारों में विभक्त किया गया है। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, तो देखिए कई प्रकार से इनको बांटा गया है, कई तरीकों से इनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। तो हम हर तरीके से जान लेते हैं उनमें क्या क्या अंतर हैं। सबसे पहला जो है वो उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर, यानी जो इनका ब्लास्ट करने का तरीका है उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दरारी उद्गार, दरारी उद्गार, और दूसरा होता है केंद्रीय उद्गार, उद्गार। इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि दरारी उद्गार कहाँ पे होगा और केंद्रीय उद्गार कहाँ पे होगा। ये प्रश्न मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि किन स्थानों पे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी पाए जाएंगे और किन स्थानों पे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी पाए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप ये लिख करके बताइए, अभी मैं इसका आंसर
दे रहा हूं। देखिए, हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में बताया था कि कहीं कहीं पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरण हो रहा है, वहाँ पे ज्वालामुखी किस प्रकार से उत्पन्न होगा? एक दरार के रूप में। तो उसको कहते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो वो दरार के रूप में लावा बाहर निकलता है, उसको दरारी ज्वालामुखी कहा जाता है। और ये बहुत ऊंचाई तक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक दरार में ज़्यादा क्षेत्रफल में लावा निकलने का मौका मिल जाता है, जिससे लावा जो है धीरे धीरे कटक के रूप में दोनों तरफ निकलता है और प्लेटों को धक्का देता है। कटक बनते हैं इससे, दरारी उद्गार से कटक बनते हैं। और ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर दो प्लेटों के बीच में अपसरण हो रहा हो, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों। तो विश्व के मानचित्र में हम इसका उदाहरण कहाँ दे सकते हैं? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर के मध्य में जो फॉल्ट है, वहाँ भी इसे दरारी उद्गार के रूप में ज्वालामुखी हम देख सकते हैं। दूसरे होते हैं केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार वाले वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट का क्षेपण हो रहा है। यानी अगर हम कहीं पे अभिसरण हो रहा है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट इस तरह उसके नीचे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्लास्ट करके जो है ज्वालामुखी निकलेगा एक गोल छिद्र के माध्यम से, उसे कहा जाता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो विश्व के मानचित्र में केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाएंगे? एक तो सबसे प्रमुख क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र, जैसे जापान, अलास्का, उत्तरी अमेरिका के सभी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के जो है प्रशांत वाले तट के क्षेत्र, इन सभी जगहों पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दूसरा जो ज्वालामुखी का वर्गीकरण है वो उद्गारित पदार्थ के आधार पर है कि उनसे किस प्रकार का पदार्थ निकल रहा है। तो उद्गारित पदार्थ के आधार पर, एक तो उद्गार के आधार पर हमने बता लिया, तो उद्गारित पदार्थ कैसा, किस प्रकार की उनकी प्रकृति है, उस आधार पर ज्वालामुखी के कई नाम होते हैं, कई प्रकार से नाम दिया गया उनको। जैसे एक होता है फ्यूमेरोल्स, फ्यूमेरोल हिंदी में भी वही नाम देंगे, फ्यूमेरोल्स। जो फ्यूमेरोल होते हैं उनसे जो है SO2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी जब काफ़ी मात्रा में लावा वगैरह सब निकाल चुका होता है, तब उसमें लावा की मात्रा कम हो जाती है, लावा नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ गैसें धुआं के रूप में निकलता है, एक धुमारे के रूप में काम करता है, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी प्रमुख रूप से गैसें निकलती हैं। तो इनको आप कह सकते हैं धुआरे, आप इनको धुआरा भी नाम दे सकते हैं। ये धुआरा होता है, ये धुआं के जो है एक भट्टी के समान जलते हैं। तो जो फ्यूमेरोल्स होते हैं वो धुआरे होते हैं, धुआं के ज्वालामुखी होते हैं, इनसे लावा नहीं निकलता है, बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अनेक गैसें इससे निकलती रहती हैं। दूसरा होता है सोल्फ तारा, सल्फेट्रा भी इनको बोलते हैं, सोल्फ तारा, सोल्फ तारा, सल्फेट्रा भी बोलते हैं, कि उस चीज में सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जो है सल्फर की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो इनसे गैसें निकलती हैं उनमें सल्फर की मात्रा सर्वाधिक है, इसीलिए इनको सोल्फ तारा या सल्फेट्रा कहा जाता है। ये भी जो है धुएं के रूप में, धुआरा टाइप में ही होते हैं। तीसरा जो होता है मुफेटे, मुफेटे, मुफेटे जो होता है वो समझ लीजिए इसके बाद के एक स्टेज है, हालांकि स्टेज नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये धुआं के बजाय इसमें जलवाष्प की जब मात्रा ज़्यादा होती है, जलवाष्प, इसमें जलवाष्प निकलती है और अन्य गैसें कम हो जाती हैं, सर्वाधिक मात्रा में इसमें जल फव्वारा के रूप में निकलता है, जलवाष्प निकलती है, उनको मुफेटे कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे ठंडी हो रही ज्वालामुखी होती है। और गीजर, गीजर या गैसर, इनको गेसर, हिंदी में भी वही नाम रहेंगे जो इंग्लिश में नाम है इनके, गीसर या गेजर। ये क्या होते हैं? ये जल, इनसे जो है जल निकलता है, गर्म जल का स्रोत, इनको गर्म जल का स्रोत भी कहा जाता है, सोता, गर्म जल स्रोत, इनसे गर्म गर्म जल निकलता है, जो जल अंदर ज्वालामुखी में, मैंने बताया था,
प्रविष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है। तब ज्वालामुखी से जब सारे पदार्थ निकल जाते हैं, धुआं, गैसें, लावा, सब कुछ निकल जाता है, तब वो जो होते हैं उनसे निकलता है गर्म जल, और वो कहलाता है गर्म जल का सोत, सोता, या गीजर, गेसर भी कहते हैं इनको। और इस प्रकार के जो है गर्म जल के स्रोत जो है आप उत्तरी अमेरिका में देख सकते हैं, जैसे कि येलोस्टोन पार्क में उत्तरी अमेरिका में गीजर और गीजराइड, गीजराइड अगला टाइप है, गीजराइड, गीजराइड ही गीजर का अगला रूप है। इसमें कीचड़ हो जाता है, गर्म जल और उसके साथ में जो है घुले हुए मटेरियल निकलते हैं, और वो एक कीचड़ के समान बन जाता है, उनको गीजराइड कहा जाता है। और ये कीचड़ कई कलर का होता है, जैसे ब्राउन, रेड और येलो, कई कलर के इसमें कीचड़ बन जाते हैं, तो इनको पेंट पॉट कहा जाता है। पेंट पॉट, पेंट पॉट के उदाहरण जो है येलो स्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कलरफुल कीचड़ होता है, जिससे आप एक पेंटिंग वाला जो पॉट होता है उस प्रकार से संरचनाएं बन जाती हैं, तो इनको पेंट पॉट कहा जाता है। तो फ्यूमेरोल क्या है? वो धुआरें हैं जिनमें धुएं के रूप में उद्गारित पदार्थ निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही जब सल्फर की अधिकता जिनमें होती है उनको सोल्फतारा कहा जाता है। मुफेटे जो होते हैं उनमें जलवाष्प निकलती है, जल निकलता है, और गीजर जो होते हैं वो गर्म जल के स्रोत होते हैं, और गीजराइड जो होते हैं वो गर्म जल के साथ में उनमें कीचड़ बन जाता है, जिनको पेंट पॉट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उद्गारित पदार्थ के आधार पर ज्वालामुखी के कई नाम हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज़ है वर्गीकरण, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, आप कह सकते हैं टाइम के आधार पर, समय के आधार पर, उद्गारित होने के समय के आधार पर, यानी उद्गार के समय के आधार पर, समय के आधार पर, या प्रकृति के आधार पर भी कह सकते हैं आप इनको, किस प्रकार का है प्रकृति, उसमें जो है कई टाइप हैं। तीन टाइप मुख्य करके बांटा गया है ज्वालामुखी को, तीन प्रकार में बांटा गया है समय के आधार पर। पहला है सक्रिय, एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे होते हैं प्रसुप्त, प्रसुप्त या डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वाल्केनो। और तीसरे होते हैं मृत या एक्सटिंक्ट। तीन प्रकार के ज्वालामुखी विश्व में वितरण में पाए जाते हैं। एक होते हैं सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनसे लगातार उद्गारित पदार्थ निकलते रहते हैं, यानी वो एक्टिव है और ब्लास्ट कर रहा है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कुछ उदाहरण आपको ज्ञात होने चाहिए जो पूछे भी जाते हैं, कई प्रकार से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, जैसे कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, या फिर ये ज्वालामुखी नाम दे दिया आपको कहाँ पाया जाएगा, या किस प्रकार का ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट है या सक्रिय है या जो है मृत हो गया है। तो इस प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी में एक है किलामू, किलामू का नाम सबसे पहले आएगा। किलामू जो है हवाईयन द्वीप पे है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहाँ पे हैं, अलास्का में, उत्तरी अमेरिका। किलामू ज्वालामुखी जो है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, नोट कर लीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलामू, हवाईयन द्वीप पे है। दूसरा है स्ट्रांबोली, स्ट्रांबोली का नाम बहुत सुना होगा आपने, ये कहाँ है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में है। स्ट्रांबोली से बहुत जो उद्गार होता है, बहुत चमकदार प्रकाश ऊपर निकलता है, लौ निकलती है, जिससे ये बहुत रात में प्रकाश उत्पन्न करता है, और जो नाविक लोग होते हैं भूमध्य सागर में इसकी लाइटनिंग को देख करके अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। स्ट्रांबोली को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि इससे जो निकलने वाली गैसेस और गर्म पदार्थ हैं वो इतनी लौ या उतना प्रकाश उत्पन्न करते हैं जो पूरे भूमध्य सागर से दिखाई पड़ता है, और जो नाविक लोग होते हैं जो जहाज़ लेकर के चल रहे होते हैं वो इसके लाइट को देख करके अपनी दिशा का ज्ञान करते थे और अब भी करते हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार उद्गारित हो रहा है। तीसरा है
इस्तांबुली, किलामू और कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ है? इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर इक्वाडोर देश है, जहाँ पे कोटापैक्सी नाम का ज्वालामुखी है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापैक्सी। तो इस प्रकार से ये सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। एक और है ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो। ये सब आप जो है मैप पे देखिएगा, आप एटलस में देखिएगा इनकी लोकेशंस क्या हैं, किस किस देश में ये स्थित हैं। जो ओजस डेल सेलाडो आपका ज्वालामुखी है वो भी दक्षिणी अमेरिका में ही है, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? जो लगातार उद्गारित हो रहे हैं, जिनसे लावा, धूलकण, गैसें इत्यादि लगातार निकल रही हैं। और हमने चार प्रमुख विश्व के उदाहरण जाने, किलामू, स्ट्रांबोली, कोटापैक्सी और ओजस डेल सेलाडो। स्ट्रांबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डॉर्मेंट प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें कभी उद्गार हुआ था और अब नहीं हो रहा है, लेकिन वो अभी मृत नहीं हुए हैं, उनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, इसीलिए वो सोए हुए हैं, वो मरे नहीं हैं, सोए हैं और उनमें दोबारा उद्गार हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से इसके प्रमुख उदाहरण हम लेंगे? विसुवियस। जैसे कौन सा है? विसुवियस। विसुवियस जो है कहाँ है? भूमध्य सागर में। इनके लोकेशन भी आप याद रखिएगा किस प्रकार का है और कहाँ है। भूमध्य सागर में है विसुवियस, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, स्ट्रांबोली के पास में ही है ये भी। और दूसरा अगर इंडिया की बात करें तो बैरन, बैरन जो है ज्वालामुखी भारत का एक प्रसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी है। और भारत में एक और है नारकोडम, नारकोडम, नारकोडम ज्वालामुखी, बैरन और नारकोडम, ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार। देखो भारत में हिंद महासागर में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो बैरन और नारकोडम ज्वालामुखी जो हैं वो सुसुप्त हैं, प्रसुप्त हैं, वो कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं। और किलमंजारो, किलमंजारो, किलमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। किलमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत जो है वो किलमंजारो है, अफ्रीका में है, और ये जो है डॉर्मेंट सिचुएशन में है, ये कभी भी इसमें ब्लास्ट हो सकता है। मृत ज्वालामुखी क्या है? मृत ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें उद्गार कभी हुआ था और अब नहीं हो रहा है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। ज़्यादातर इनके जो मुहाने होते हैं उनमें झील का निर्माण हो गया है। आगे हम स्थल रूप में पढ़ेंगे, जैसे क्रेटर लेक बन गई है, कालडेरा लेक बन गई है, ये सब क्या होते हैं? आगे हम जब ज्वालामुखी स्थल रूप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी संरचनाएँ हमारे स्थल पर बनती हैं। तो जो मृत ज्वालामुखी होते हैं उनका जो मुहाना होता है वहाँ पानी भर जाता है और वो झील में तब्दील हो जाता है, और उसमें आगे कभी भी ब्लास्ट होने की संभावना नहीं रह जाती, उनको कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जो पाए जाएंगे वो ज़्यादातर जो है हमारा जो भूमध्य सागर से लेकर इंडिया तक का जो बेल्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, जैसे कोह सुल्तान ईरान में, कोह सुल्तान और देवबंद, देवबंद ये से दोनों कहाँ हैं? ईरान में। पोपा, पोपा कहाँ है? म्यांमार में। पोपा जो है म्यांमार में है। और एक और नाम इसमें आता है एकांका गुआ, एकांका गुआ जो है ये भी सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। एकांका गुआ जो है सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। एकांका गुआ दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वहाँ पाया जाता है एकांका गुआ। तो कोह सुल्तान, देवमंद, पोपा म्यांमार का और एकांका गुआ दक्षिणी अमेरिका का, ये सभी एक्सटिंक्ट
मृत ज्वालामुखी हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार बनते हैं, तीनों प्रकार में जो मुख्य मुख्य ज्वालामुखी हैं ये आप याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कहाँ पे स्थित हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हमने बताया आपको, कौन सा ऊंचा है, कौन सा सबसे सक्रिय है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, इनकी लोकेशंस क्या है, और ये किस प्रकार में हैं, एक्टिव हैं, प्रसुप्त हैं या एक्सटिंक्ट हैं। भारत में कौन से हमने बताया, बैरन और नारकोडम, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार से उद्गार के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो आशा है ज्वालामुखी के संबंध में, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी किस प्रकार से उद्गारित होते हैं, वो कौन कौन से वर्गों में विभाजित किए गए हैं, ये आपको समझ में आ गया है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी से बनने वाले स्थल रूप, कौन कौन सी संरचनाएं ज्वालामुखी से बनती हैं, और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ज्योग्राफी और अन्य सभी विषयों के लेक्चर्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।